मैं तो पहले बोलता हूँ साला तू बोल भैया रहा है और डिमांड बाप वाली कर रहा है। तो लिखते मोजी जो है, पढ़ते मोहित जो है, इस मोजी को मोहित के चक्कर में पूरा कॉकटेल मेरे मुंह पे मार के गई। वो विंडो वाली सीट चाहिए, चल पापा बोल। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सारे तो करते ही होंगे सोशल मीडिया, और बहुत सारे फ्रेंड्स भी बना रखे होंगे, लौंडे लौंडिया सब। पर भाई ये लौंडों के दोस्ती साले कतई जानवर होते हैं, जानवर मतलब ऑफलाइन तो बेइज्जती करते ही है, ऑनलाइन भी नहीं छोड़ते ही है। कुछ दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड किया था मस्त ताजमहल वाले बैकग्राउंड के साथ, तभी एक दोस्त कमेंट करता है जो यहाँ बैठा भी हुआ है, एक दोस्त कमेंट करता है कि भाई इतने अच्छे बैकग्राउंड में चुटियों से शकल वाला कौन है। मतलब मैंने बोला कि ठीक है, माना कि चुटियों से शकल है मेरा, पर इतना पब्लिक में भी नहीं बोलना होता है भाई, तो प्राइवेट डीएम भी कर सकता था मुझे। और ये सेम बंदा अगले दिन एक लड़की के फोटो पे कमेंट करता है, योर ब्यूटी कांट बी मेजर्ड इन मेगापिक्सल। मतलब देख रहे हो तुम, एक पूरा सेंटेंस लिखा था इंग्लिश में, और इस साले को कॉलेज की इंग्लिश भी नहीं आती है, गूगल से टीप के लिखा था ये। और ये तो तब लिखा था जब उस लड़की ने सुबह उठ के ब्रश करते हुए फोटो डाला था। मतलब मैं बता रहा हूँ, वो ताजमहल के साथ फोटो डाल दे तो ये साले पूरे बुक लिख देंगे उसे कॉमेंट सेक्शन में। ये लड़के इंप्रेस करने के लिए कुछ भी लिख रहे हैं, क्यूटलेस ओवरलोडेड गॉर्जियस बियॉन्ड इमेजिंग। इनको लगता है कि लड़कियों को असलियत पता ही नहीं है कि बिना मेकअप और फिल्टर के वो घंटा क्यूट और गॉर्जियस नहीं लगती है। अगर बिना मेकअप और फिल्टर के वो खुद को देख ले तो नहीं पहचान पाएंगे, मोंजनिका की छोटी बहन लगती है वो। पर भाई लड़के फुल जेंटलमैन बन रहे हैं एकदम, पर जब ये बात करते हैं अपने दोस्तों से तब इनके अंदर का सुअर बाहर आता है एकदम। मतलब यहाँ से तो सारे स्कूल से हो, पास आउट हो चुके हो, स्कूल टाइम में सबका एक ग्रुप होता है फ्रेंड फॉरएवर नाम से, होता ही होगा फ्रेंड फॉरएवर, पर घंटा उसमें कोई फ्रेंड चूल्हे यार बाप बनने की, इनसे कुछ भी बोल दो, कुछ भी पूछ दो, पापा बोल भाई पैसे चाहिए, पापा बोल भाई बाइक चाहिए, पापा बोल भाई तेरी बंदी चाहिए एक दिन के लिए ले जा बस पापा भाई। ये सब बकचोदी उस ग्रुप में पूरे दिन हो रहा है, 5 साल हो गया स्कूल से निकले हुए, पर मजा है किसी लड़के को उसके नाम से बुला ले, आज भी उसके बाप के नाम से ही बुलाते हैं उसे। एक हमारे दोस्त, एक दोस्त है जिसके बाप का नाम है तूफानी, तो जब वो बंदा वीडियो कॉल पे आता है तो सारे एक साथ गाते हैं, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं इस तरह से। कोई बंदे तो उसको फोटो भी भेज रहा है तूफान के पंखे के साथ, ब्रो सेल्फी विथ योर फादर। एक बंदे के बाप का नाम है नमीलाल, इंग्लिश में बोले तो रेड मॉइस्चर, कहीं भी बारिश हो उसको लौंडे फोन कर रहे हैं, भाई तेरे पापा मेरे से मिलने आए हैं। ये बकचोदी फुल दिन चल रही है उस ग्रुप में। मैं बता रहा हूं अगर गलती से भी किसी दिन उस ग्रुप का चैट हमारे घर वालों को पता लग गया वो मुकर जाएंगे, हमारा लौंडा नहीं है ये, ऐसी बातें कर रहा है, हमने नहीं पैदा किया इसे, ये सारा गलती से हो गया होगा, हमने नहीं पैदा किया इसे। मैरीन ड्राइव तो सारे जाते ही होंगे, मैरीन ड्राइव वहां पर भाई साहब बाइक रेसिंग के नाम पर जो लौंडे नंगा नाच करते हैं, मतलब एक लड़की यहां से गई नहीं कि पीछे दो केटीएम वाले तैयार बैठे हैं, वो नागिन कट मार के जाते हैं सामने से उसके। इनको लगता है कि इनके एक्सीलेटर की आवाज सुनकर लड़कियां इन्हें क्यों आई लव यू फेंक के मारेगी। और चलो कि लड़की इंप्रेस हो भी गई तो सालो जब तक वो कुछ बोलेगी तब तक तो तुम 200 किलोमीटर आगे निकल चुके होते हो। और इनका तो फिर भी ठीक है, चलो समझ में आता है कि स्पोर्ट्स बाइक, तुम्हें किस बात का घमंड है भाई, तुम्हारे बाइक से ज्यादा रेट की तो लड़की आजकल जूते पहन रही है। फिर भी पूरा दिन ये वही कर रहे हैं, 10-10 लीटर पेट्रोल थूक दे रहे हैं पूरे दिन के, यही लौंडे हैं जिनके चलते आज पेट्रोल के दाम महंगे हुए पड़े हैं, और हम फालतू में सरकार को कोसे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ मॉल में गया था, वहां मॉल में जाते ही हमें एक सुंदर कन्या मिल गई और बस हमें हो गया, देखते ही प्यार हो गया हमें। लड़कों की एक मतलब यूनिक क्वालिटी होती है, एक सेकंड में प्यार होता है, मैं एक सेकंड में 4G 5G तो सब पीछे छोड़ रखा है हमने, एक सेकंड हमारी एक ही रिक्वायरमेंट है प्यार करने के लिए, लड़की हो और जिंदा हो।
लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बस हमें भी हो गया प्यार, हमने भी उनको चल दिया फॉलो करने, पीछे पीछे गए, तभी कुछ देर बाद वो चली गई एरो की शोरूम में, हमने फ्लैक्स करने के चक्कर में वहां से दो चार कपड़े उठा लिए, तभी वो लड़की गायब, अचानक से गायब, हम ढूंढ रहे हैं उसको चारों तरफ, मिली नहीं, फिर थक हार के हम गए काउंटर के तरफ, भाई वहां पे जो गंदा वाला मोए मोए हुआ हमारे साथ, वो लड़की काउंटर पे बैठी हुई थी, फिर वो लड़की बोलती है सर बिल प्लीज, तो ये जो बगल वाला दोस्त था इसने देखा बिल को, मैंने देखा इसके पर्स को, और भाई और उस लड़की ने हम दोनों के औकात को देखा, मतलब जितने पैसे हमारे पर्स में थे अगर मॉल वालों को पता चल जाता ना, तो वो एरो की शॉर्ट पहनाने की जगह पे वही एरो हमारे पिछवाड़े में डाल के मोर बना देते, फिर वहां से हमने बोला कि भाई जल निकलते हैं, बेइज्जती मत करा, तो फिर वहां से हमने एक घंटे के अपने सच्चे प्यार को छोड़ के वहां से वापस आ गए, ठीक। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से लड़कियों के एटीट्यूड और आसमान पे होते हैं, लड़के इतना उनको कर देते हैं कि उनका एटीट्यूड आसमान पे हो जाता है एकदम, मतलब वो कोई भी काम दिल से करती है, और करेगी क्यों ना, क्योंकि दिमाग तो होता ही नहीं है, सारे लड़कियां वही बंदे ले जा रहे हैं स्पोर्ट्स बाइक वाले, हमें कोई नहीं पूछ रहा भाई, हमें तो सारी किस्मत भी साथ नहीं देती, तुम सब साले ट्रेन में ट्रेवल करते ही होंगे, मतलब जाने से पहले सब सब बताना, एक बार तो जरूर सोचते हो बस बगल में एक सुंदर लड़की मिल जाए, सुंदर लड़की मिल जाए हमारा सफर एकदम सेट, वही होगी हमारे जीवन की सफर की हम सफर, मतलब इतने सारे सोच लेते हैं, पर वहां जाने के बाद क्या होता है, जैसे ही हम इंटर करते हैं ट्रेन में साला एक यहाँ बगल की सीट वाले पे अस्थमा का पेशेंट लेटा है, एक किसी का बच्चा रो रहा है इधर, और एक अंकल ने तो ऐसा पॉलिटिक्स छेड़ मारा है, माय गॉड, मतलब उनको देख के लगता है ना कि राहुल गांधी को इससे टिप्स लेना चाहिए कि मोदी को कैसे आ रहा है, यही है तो सरकार बदल सकता है बीजेपी को, और इसका कहर अभी खत्म नहीं होता है, बात आती है रात की, और रात की बाइक और इसके खर्राटे, तब साला रावण की शर्माजा है कुंभकर्ण शर्माजा खर्राटे सुन रहे, मैं तो कहता हूँ रेलवे वालों को ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए और इंजन पे बांधना चाहिए, फिर हमें हॉर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके खर्राटे इतने दूर तक जाएंगे ना, खर्राटे इतने दूर तक जाएंगे, फिर और उसके बाद क्या होता है कि ये बकचोदी फुल रास्ते चल रही होती है, तभी अगले दिन एक छोटा सा बच्चा आता है बोलता है भैया भैया मुझे विंडो वाली सीट चाहिए, मैं तो पहले बोलता हूँ साला तू बोल भैया रहा है और डिमांड बाप वाली कर रहा है, पर हम लौंडे उसे भी बोल देते हैं विंडो वाली सीट चाहिए चल पापा बोल, और फिर यही बकचोदी पूरे रास्ते चल रही होती है, हमें नहीं मिलती कोई सुंदर लड़की भाई बगल में कभी नहीं मिलती, खैर काफी मुश्किलों के बाद मैंने भी एक बंदिश वो सब उसी के लिए बने हुए थे, शुरू में तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा था एकदम, मतलब रोज ही हमारे तुम मिले हम मिले, रोज ही फूल खिल रहे थे हमारे तो, रोज ही फूल खिल रहे थे हमारे पास, बट आगे यार बिना हाथ पैर वाले बातें पर लड़ाई हो रही थी हमारी, मतलब प्रोनाउंसिएशन पे कौन लड़ता है बताओ यार, जोमैटो जोमैटो क्या हो गया, मैंने जोमैटो को जोमैटो बोल दिया तो सारा पिज्जा ही तो खाना था ना वहां से, पिज्जा ही खाना था यार, मोजीटो मोहिटो साले एक तो लिखते मोजीटो है पढ़ते मोहिटो है, इस मोजीटो मोहिटो के चक्कर में पूरा कॉकटेल मेरे मुंह पे मार के गई वो, फिर एक दिन मैं सुबह उठा गुड मॉर्निंग मैंने किया उधर से आया गुड मॉर्निंग, मैंने इधर से बोला लव यू उधर से आता है लव यू टू विद थ्री किसेस, ओके, तभी मैं चला गया बाथरूम, मैं वहां बैठ के सोच ही रहा था कि अब बेबी को कौन से इमोजीज भेजने हैं, तभी मैं आके आके देख रहा हूं 20 मैसेजेस, मैंने बोला क्या पार्ट टूट गया एकदम, तो मैसेजेस पढ़े मैंने लिखा हुआ था उस पे तुम्हें मेरी कदर नहीं है कहां चले गए बिना बताए फलाना ढिमकाला, और लास्ट में लिखा हुआ था ओके आई एम डन विद यू, मैं बोलने ही वाला था